हाय बेबी, तुमने क्या बोला? अभी धमकी दे रही है मेरे को। क्या करना वैसे उठ के? कल तो नहाया था मैं। रोज मत नहा देना ना यार, तुम्हें बताया मैंने पहले भी व्लॉग में कि शिमला में पानी की दिक्कत है। हमारे घर पे नहीं है। डेली घर की बात ही नहीं है, शिमला शहर की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम कंसर्न्ड। और जो तुम 10 बार वॉशरूम जाते हो, आई एम है कंट्रोल कर लो। क्या सिर्फ 2 लीटर पानी यूज होता है उसमें? हाँ, 10 बार वॉशरूम जाते हो, दो पेट लीटर ही यूज कर लो अपनी बॉडी पे। शिमला में आई एम कंसर्न्ड अबाउट शिमला यार। थैंक यू सो मच। लो भाई, आज हम टैटू कर रहे हैं। हम क्या हूं? हम कहा होता हूं? हम मैं आज मैं टैटू करूंगा अपने बहुत पुराने स्टाफ मेंबर, एक्स एक्स एम्प्लॉई ऑफ हेडक्वार्टर्स है ना, एक्स एम्प्लॉई ऑफ हेडक्वार्टर्स मिस्टर निखिल। उनकी आज अपॉइंटमेंट है 11:30 की। आज उनके टैटू करेंगे, बट पैसे लेने हैं उनसे। टैटू का मैं चार्ज नहीं करूँगा, मतलब दैट वुड नॉट बी फॉर फ्री। बट हाँ, भाई साहब को हम बोलेंगे कि तू ना सारे स्टाफ के लिए एक एक समोसा ले, मेरे लिए 2 ले आइयो, बस हो जाएगा काम। हाँ ठीक है, मैं नहा लूँ जरा, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि मैं नहीं नहाता, फिर मुझे याद आया ओ माय गॉड, आज तो मेरा टैटू है, आई शुड लुक प्रेजेंटेबल। बाय। कितने पैसे संभाल लेते तूने? जब मैं जॉब करता था कुछ नहीं, टीम मेंबर्स को बोलते मैं कुछ नहीं संभालता था, सही में खाओ पियो ऐश करता था। पर वही ना, अब जो चीज मैंने गलती कर दी है वो मैं सबको समझाऊंगा ना कि भाई ऐसे मत करो। You'll realize कि यार तभी मानेंगे ना जब उनको लत पड़ेगी। ऐसे नहीं ना, अब नहीं नहीं नहीं, हम अगर उनको पहले समझा देंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ, तुम मानते हो जब मैं तुम्हें समझाती हूँ चीजें? मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ना पहले हम शूट कर चुके हैं ऐसे? सच में कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ना ये सारा का सारा कंटेंट शूट किया हुआ है। यू आर मेंट टू बी अ ब्लॉगर ना। अरे यार समझ गई मैं तेरी फीलिंग। समझ गए ना आप? समझ गए ना? ये समझ गए अभी? मैं क्यों नहीं समझूंगी? होता है कभी ऐसे कि आपको ऐसा फील होता है कि यार ये चीज ना पहले घटना घटित हो चुकी है? होता है तुम्हारे साथ ऐसा? सबके साथ होता है क्या? अच्छा, I am not the special person। देजा वू बोलते हैं। देजा वू हो गया भाई। अच्छा ओके। मुकुल किटी, मुकुल मत कर यार, मुकुल यार मेरे ये गिर जाएगा बात। तूने मुझे नया वर्ड सिखाया, देजा वू। देजा वू हो जाएगा। ज्यादा कीमती है ये, ठीक है? मेरे से ज्यादा कीमती है? मत कर यार मुकुल। सांस भी लेना होता भाई। हेलो, ओ हेलो, सांस भी लेना होता किटी। और ये वैसे मेरा कप था, मैंने तुम्हें दे दिया। इस पे करने की फोटो लगी हुई है, देखो। तो क्या हुआ? मुगल सर बोल ले भाई, फोन दिखाओ अपनी अपनी जेब के। कहा उसमें फोन चार ही पड़े गल उसमें। उसमें मेरा ही पड़ा। मेरा भी पड़ा। चार फोन है इंसान यहाँ कितने सारे बटले हो रहे हैं। चलो कहाँ चल अब यहाँ पे किसी।
सही बात है, जब मुक्कू लो तो टेंशन ही टेंशन है। बुरा हाल मैं त्राही माम करेंगे सब। है ना भाई मोटे, पर मैं ऐसे परेशान तो नहीं करता ज़्यादा, आदत पड़ गई ना इसको यार, अब मेरे को आदत नहीं है। एडजस्टिंग की बात नहीं, बात एडजस्टिंग की नहीं है, फिर वही बात, वो तो सबको पता है। नहीं बोलना, सच्ची बताऊँ हमें आधा घंटा लगा है कल की अपॉइंटमेंट्स को ऐसे सेट करने में, और उसमें भी भसड़ पड़ेगी क्योंकि वॉक इन भी आएंगे हमारे पास। अभी के लिए मैंने तो कर लिया भाई टैटू, पहला सेशन भाई का हो गया है, दूसरा सेशन हम करेंगे अब एक महीने के बाद। किटी मैडम ने भी आज पार्टी मेकअप कर लिया, आज का दिन ही हमारा ऐसा था ना तबाही वाला, तबाही मच रखी थी आज। फिर बोलते कंटेंट दिखाओ, देख लो टैटू देख लो, वही है मेरा तो कंटेंट, काम ही तो करते हैं। अब घर जाके खाना कौन बनाएगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यार, है कोई बंदी खाना बनाने वाला, है कोई बंदा? गौतम चले जा यार भाई, तू फिर क्यों परेशान कर रहा मेरे को, मुझे रख लो सर, सही में यार। अगर किसी के पास कोई भी ऐसे हो ना, भाई साहब हो या बहन जी हो जो खाना बनाते हो, प्लीज़ हमें रिकमेंड करना, वी वॉन्ट समबडी जो हमारे लिए खाना बना दे। या टिफिन लगवा लेते हैं, बरा बात तो वही है, टिफिन लगवा लेते हैं। देख लो भाई, चले संजय सर, हमें छोड़ के जाओगे आप ऐसे? क्या कह रहे, आना ही नहीं कल से? आना भी कल से हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, जब मैं चला जाऊंगा दुबई तुम किससे इरिटेट होगे? तुम चांद लेके जा रहा है मेरे को दुबई, उसके पास शूट आ रहा है, वो मेरे को कह रहा है, मेरे को कह रहा आप भी चलो एज असिस्टेंट जाऊं। वहां से वो ले आऊंगा ड्रोन खरीद के, ड्रोन सस्ते में मिल जाएगा ना, एक तोला सोना भी देख रहा है ना मेरे, तोला सोना कुछ नहीं लाना, वहाँ कस्टम बड़े पकड़ते भी हैं, परे कुछ अलाउड नहीं है, पहन के आना पड़ता है। नहीं मैं नहीं ला रहा सोना, नेपाल का अच्छा महंगा भी, संजय के घर रहेंगे। हाँ पैसे नहीं दूंगा, कहीं मेरे से होम स्टे के पैसे मांगे तू, बाइक पे चलेंगे फिर। लो जी फिर सलोन क्लोज होता है हमारा 7:30 और अभी 9 बजने वाले हैं, और इधर अपॉइंटमेंट्स ही नहीं, मैनेजरी ऐसे खज्जल हो गए हुए हैं, ऐसे खज्जल हो गए हुए लोग, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाला सीन हो रखा है इधर। और अभी जाके भाई को खाना भी बनाना है, मैं तो सोच रहा हूँ ना खाना बनाना कैंसिल ही कर दूँ आज। आज भाई ने टैटू किया है बहुत ही जबड़िया वाला, तो जरा सेलिब्रेशन हो जाए। किटी ओहो देखा नहीं आपने, पार्टी मेकअप जबरदस्त वाला, और अभी टांगों में दर्द हो रही है, प्रैक्टिस नहीं है ना खड़े होने की, सारा दिन इस कुर्सी पर है, कुर्सी कहाँ गई, उस कुर्सी पर बैठे रहते हैं। छोटा महाराज भी आ गया है चंडीगढ़ से, अब उसके साथ जाएंगे हम लोग कहाँ, बडीज डिनर करेंगे, मस्ती करेंगे। आधा व्लॉग मैंने एडिट कर दिया है, किटी मेकअप किट संभाल ले प्लीज़ फटाफट यार, वॉक इन के लिए जगह छोड़ी हमने कल के, नहीं ये जो है बीच में पड़ी है वो भी भर जाएगी मुझे पता है।
मिलते हैं आपको सीधा पता कहाँ, डिनर टेबल पे। केदारनाथ वाले बंदे भी आ गए भाई, काले पीले होके। आज हम स्वीट डिश भी खाएंगे यार। तो खत्म हो गया सब कुछ, अब क्या देख रहे हो आप लोग? इसने खाया सबसे ज्यादा, देखो देखो। नहीं पता क्या, जिस तरफ को सामान ज्यादा उस तरफ को देखो ना, ये इसने खाया सारा। ये दाल मखनी भाई, ऐसे कैसे हो रहा है? दाल मखनी नहीं खा रहा तू? मैं तो खा ली। ये देखो रगड़ दिया मन सब कुछ। वाह केटी जी, फिनिश। दाल मक जितना ना मैंने और विपुल ने खाया, हमने खाया 500 रुपए का सामान, केटी ने खाया कल्ले ने 1000 रुपए का सामान। फिर बोलते लोग हमारा वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ेगा ही जब पर्स का वेट कम होगा। लॉजिक है ये, बहुत बड़ी बात है, जरा ध्यान से रिवर्स करके सुनना दोबारा से। क्या है? 50-50 के दो हैं, रहन दे। चलो फिर करते हैं ना व्लॉग का एंड यहीं पे, इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको कल सुबह।